चलो मैं इनकी फैमिली के से आप सब लोग तो बच्चों को छोड़ के आ गई हूँ और मुझे भी जाना है मंडी, तो पूजा कर लिया थोड़ा सा काम अपना, तो फिर हम जाएंगे मंडी क्योंकि सब्जी और फ्रूट दोनों ही ख़त्म हो गई है। आज मतलब मुझे आपसे शेयर करना था, जैसे कल संडे था तो बाबू आज जब स्कूल गया था वो बहुत रो रहा था मतलब स्कूल में, क्योंकि मैं ही उसको अकेला गई थी छोड़ने, आज वो नहीं गए थे मेरे साथ में, तो मैं गई थी उसको छोड़ने, तो वो बहुत रो रहा था, बट मैं उसको वहीं पे छोड़ के आई, मैं उसको नहीं लेके आई क्योंकि एक दो दिन करेगा तो ठीक है कोई बात नहीं, सीख तो सीखता ही सीखेगा, तो बहुत रो रहा था, तो मैं जा रही मेरा हाथ पकड़ लिया, तो बस आई होप वो सही से रह रहा हो, तो मन तो मेरा भी नहीं लगता जब चले जाते हैं, बट क्या करना मजबूरी है और वही है कि बच्चों के लिए माँ बाप को इतना तो करना ही पड़ता है, तो अगर हमारे बच्चे लाइफ निकल जाएंगे तो उससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती, तो अब जाऊंगी मैं जब उसको लेने, तो देखती हूँ उसका रिएक्शन क्या है, उससे पहले मैं जाऊंगी मंडी फ्रूट और सब्जियाँ लेने के लिए, तो वहाँ का मैं कोई भी ब्लॉग देखूंगी अगर शूट कर पाई तो ठीक है, वरना नहीं करूँगी कि आप लोगों को मैंने दिखाई दिया था एक बार कि मंडी कहाँ है कैसी है, तो वो सब कोशिश होगा मैं कोई शॉर्ट वगैरह डाल दूँगी, जैसे लाइक जब रास्ते में हम जाते हैं तो जय गुरुदेव मंदिर आता है, तो मैं कोशिश करूँगी उसका छोटा सा एक पार्ट डाल दूँगी आपको दिखाऊँगी, तो गोरा भी अच्छे ले गए हैं क्योंकि वो टूर बना रहे हैं अपना केदारनाथ का विद फैमिली, क्योंकि अभी गाड़ी यहीं पे है तो बाइक से जाते हैं, तो वो सब जाएंगे केदारनाथ, तो वो कल जाएंगे, तो इस वजह से अब सुबह जल्दी चले गए थे, और मैं अभी जाऊँगी मंडी, तो आप ब्लॉग में बने रहना, अभी कुछ नहीं पता आज क्या होगा, बट ऐसे ही मैंने आपसे अपना रूटीन शेयर कर रहा था, तो मोस्टली मेरा थोड़ा बहुत काम हो गया, बस मुझे कपड़े धोने रह रहे हैं क्योंकि मैं कपड़े नहीं धो पाई थी क्योंकि सुबह सब लोग ये थे और आज ही और दिन तक ये नहला देते थे, आज ही नहीं उठ पाए थे, तो मेरे को ये नहलाना धुलाना तैयार करना सब कुछ नाश्ता पानी सब किया, फिर उनको छोड़ने गई, और अभी मुझे मंडी का काम करके आना है क्योंकि गर्मी इतनी भयंकर हो रही है ना भाई, मैं तो सही बता रही हूँ कि खाने पीने का ध्यान रखो, खूब खाओ पियो, खूब अच्छे से मतलब पानी की कमी ना हो इस तरीके से पियो, खूब पानी पियो, ग्लूकॉन्डी जूस वगैरह जो भी पी सको खाने पीने का ध्यान रखो, डॉक्टर को देने से अच्छा है कि तुम बढ़िया खा लो, मैंने बनाना और खीरा हम भी प्लान बना रहे हैं इस सैटरडे को कहीं जाने का, अभी मतलब 90% कन्फर्म है, 90% नहीं है, तो वो मैं आपको जल्दी बताऊँ कहाँ जा रहे हैं, इनफैक्ट दिखाऊंगी, तो मैं सीखने जाऊँ और सीखने जाएँ क्योंकि बच्चों को मेंबरशिप भी बहुत पसंद है, तो मुझे मेंबरशिप देना है और बिल्कुल कॉलिंग वगैरह हमारा बहुत पसंद रहता है, ठीक है, इसी तरीके से आज का ब्लॉग क्या है आप बने रहना देखते रहना। ऋषि का कभी अपना कंप्यूटर का डीट तो प्रयाग कर रहा है अपना इंग्लिश का, और मैंने इन दोनों को दूर दूर अलग अलग इसलिए बिठाया क्योंकि ये पढ़ते नहीं है, तो इसलिए इन दोनों का अलग अलग करके पढ़ने के लिए बिठाया है मैंने, तो इधर बच्चों का खाने का मन था तो मैंने उनके लिए भी बनाई है भेलपूरी, चलो भेलपूरी आ गई तुम्हारी बनके, बुक बुक रखो नीचे बैठो, यहाँ रख दे रही, चलो बैठो खा लो आराम से, खाओ आराम से, कैसी बनी है, अच्छी बनी है, खा लो, तो यहाँ बच्चे खा रहे हैं भेलपूरी, हाँ जी मोमोज खाने, मेरा भी बड़े दिनों से मन करता था मोमोज खाने का, देखती मैदा है कि नहीं है, नहीं होगी तो मैं बाजार में वहाँ से लेके आऊँगी दुकान से फिर बना सकती हूँ, ठीक है, हाँ क्योंकि मेरे बच्चे भी बेस्ट है ना, तो इसलिए उनकी मम्मा भी बेस्ट है और तुम लोग मेरी बात मानते थे इसलिए मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, तो इधर मैंने सब्जियाँ ले ली है, मोमोज की तैयारी करूँगी, और मैदा नहीं थी थोड़ी सी थी तो मैं लग रहा है दो चार सामान और लेने चली गई, तो ये कवर लेके आई हूँ प्रिया की नोटबुक पे चढ़ाना है, आधी पे चढ़ गई आधी पे रह गई है, तो चलिए हम प्रोसेस चालू करते हैं, अगर आपको मोमोज की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे दूसरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगी, तो आप वहाँ देख सकते हो कि मोमोज कितनी आसानी से घर पर बन जाते हैं, यहाँ मैं बैठ गई हूँ सब्जियाँ काटने के लिए, मैं प्याज नहीं डालूंगी क्योंकि है भी नहीं, क्योंकि हम लोग खाते नहीं है और कान्हा जी को भोग भी लगाना होता है, तो शाम को इस वजह से मैं नहीं बना रही हूँ, तो सिर्फ मैं काटूँगी शिमला मिर्च गाजर और पत्ता गोभी, तो देखो ये दादी जी का खा रही है भील पूरी, तो मोमोज किसी को पसंद है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो इधर पे आप पता नहीं किधर चला गया है, मैं उसको देख रही थी ऋषिका दिन कपड़े कपड़े खा रही है भेलपूरी, मुझे भी मथुरा की भेलपूरी बहुत पसंद है, हमारे हरियाणा में नहीं मिलती थी, तो जब भी मैं घर रहती थी और अब भी जाती हूँ तो पापा मेरे लिए हमेशा भेलपूरी लेके आते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, घर पर इतनी अच्छी नहीं बना पाती मैं, लेकिन जो मुझे बाहर की अच्छी लगती है, बाहर का अभी तक मुझे खाने में सिर्फ भेलपूरी और ढोकला ही अच्छा लगता है, अदरवाइज़ मुझे बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, हमारे घर में कोई बाहर का खाना नहीं खाता है, कहीं पर भी जाते हैं तो भी कोशिश यही करते हैं कि अपना थोड़ा बहुत
लेके ही जाते हैं। तो देखो क्या है, मुझे गुनु मुझे भेलपुरी खिला रही है। मैं उनको बाबा कह रही हूँ तुम लोग खाओ, वो नहीं मानते हैं तो खुद भी खा रहे हैं, मेरे साथ भी शेयरिंग कर रहे हैं। इन लोगों का मतलब मैं क्या बताऊँ, इन लोगों को देख के मेरा पूरा दिन बन जाता है। ये लोग जब स्कूल चले जाते हैं ना तो मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता है, बट मैं इनको नहीं बोलती। फिर आपके मुझे कहता भी है कि आपका मन लग जाता है हमारे बिना, आप अपना कोई दोस्त बना लो, आप कॉलेज चले जाना, फिर आपके कोई बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे। हम तो छोटे हैं तो स्कूल जाते हैं, तो इस वजह से हमारे स्कूल में दोस्त बन रहे हैं, आपका तो कॉलेज में बन जाएगा। पता नहीं कुछ कह रही थी बात करनी, और उसके हाथ पर बोलेगा कैसे कैसे ऐसे इशारे चलते रहते हैं, कुछ भी बोलेंगे तो इशारे इसके जरूर चलेंगे। तो इधर प्रिया की नेहा कैमरे में ही है और देख रहे हैं अपने आप को, इधर इन लोगों का हो गया, वो जा रहे हैं हिंदोश में। ये प्रिया की बहुत अच्छी आदत है, इन बच्चों की बहुत अच्छी आदत है, अपने झूठे बर्तन नहीं रखते हैं कभी भी मेरे लिए, कि भैया मैं ही उठाऊंगी, और हमेशा हाथ पैर धोके तभी अपना दूसरा कोई काम करता है, तो मुझे दिखा रहे हैं कि मम्मा मैंने हाथ धो लिया है। तो अभी वो फिर से मैंने बोला उसको कि तुम पढ़ लो थोड़ी देर, मैं ही बैठी हूँ तो मैं देखती रहूँगी। इधर अब ऋषिका जा रही है अपने हिंदोश करने के लिए, तो इधर प्रिया अपने नोटबुक लेके बैठा है और मैं उसको पढ़ा रही हूँ साथ के साथ, थोड़ा बहुत कर लेगा होमवर्क अपना। तो अभी इतना नहीं कर पा रहा है सच बताऊँ तो, क्योंकि देखो लॉकडाउन होते हैं दो साल हो गए, दो साल से बच्चे बिल्कुल स्कूल नहीं गए हैं, घर पे तो पढ़ाते हैं लेकिन कोई नहीं, बस ऐसा ही है। स्कूल से ज़्यादा ही होमवर्क देती थी मैंने, लेकिन स्कूल का सिलेबस और घर का सिलेबस अलग अलग होता है, क्योंकि मैंने इनको नोटबुक बुक से नहीं पढ़ाया था, वैसे ही मतलब जो मुझे लगा कि ये मेन मेन चीज़ें हैं वो आनी चाहिए, तो वो ही मैंने इनको पढ़ाती गई थी। मैं इनको पढ़ाती जा रही हूँ, मैं सब्जी भी काटती जा रही हूँ, उसको समझा रही हूँ, बता रही हूँ, इसको अभी इतना नहीं आता है। ऋषिका तो पढ़ लेती है अपना, तो इधर ऋषिका भी अपना नोटबुक लेके पढ़ रही है। घर में बहुत सारे काम होते हैं, क्या करें, सब कुछ एडजस्ट हो जाता है, लेकिन मेरा बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लेती हूँ मैं सब कुछ। तो इधर ऋषिका अपने वो नोटबुक लेकर, मेरे उसको लग रहा है कि वो दिख नहीं रही है, तो नीचे झुक झुक के देख रही है, लेकिन वो अपने भाई को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, जब उसको दिख रहा है कि भाई नहीं कर पा रहा है तो वो बताती रहती है उसको बीच बीच में। और देखिए मैं प्रिया के हेयर स्टाइल आप लोगों को कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं अपनी लाइफ में पहली बार स्पीकर बाल कटवाने गई थी, वो बात को मैं आपको शेयर करना ही भूल गई। मैंने उसका शॉर्ट निकाला था बट मैं उसको डालना भूल गई, सोचा था कि डालूंगी बट मैं आज भी उसको डालना भूल गई हूँ, मैं डालूंगी उसको भी। तो ये बहुत नौटंकी करता है, तो देखो अब मैं बताती जा रही हूँ, वो अपना होमवर्क कर रहा है। हाँ तो इसमें मैम बोली कि ना वो मेरे साथ ही रहा था, मेरे साथ ही खाना वाना खाया इसने, तो किसी और बच्चे के साथ नहीं रहता। वैसे कह रहा था कि मामा मेरे चीज दोस्त बन गए हैं, पर इसको नाम ही नहीं पता रहता है। इसका ये है कि वो सामने से आके बात करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज वो सामने से जाके बात नहीं करेगा। तो इधर वो मैं उसको बताती जा रही हूँ और वो अपना होमवर्क भी कर रहा है। वैसे बताते रहो तो कर लेगा, लेकिन आप ये कहोगे कि अपने आप से कर लो तो वो नहीं कर सकता। मैं भी पूरी मेहनत करूँगी, इसकी मैम भी पूरी मेहनत कर रही है, तो धीरे धीरे उम्मीद है कि हाँ ये कर लेगा। बच्चा है तो इतना तो होता ही है। अब मैं सोचूं कि आज ही मैं इसको एक बार में कुछ समझा रही हूँ और वो एक ही बार में समझ जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो डांट फटकारती भी ऐसा नहीं है कि डांटती नहीं हूँ, गुस्सा आ जाता है तो कभी मैं इनको चिल्ला भी देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शैतानी करता है पढ़ते टाइम, बहुत नौटंकी करता है। ऋषिका का ध्यान देख सकते हो आप लोग, बहुत कम रहता है नोटबुक में, इधर उधर ही देखेगी, लेकिन इसकी कैचिंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है। प्रिया की भी कैचिंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो सुन लेता समझ लेता है याद हो जाता है वो, फिर उसको कभी भी कुछ लोगों को भूलता नहीं है। लेकिन ऋषिका का ये अगर उसको बोलोगे कि पढ़ लो तो पढ़ती रहेगी, लेकिन वो अपने भाई बहुत सपोर्ट करती है, तो मैं यही देखती है बार बार कि भाई कहाँ भूल रहा है, क्या कर रहा है। तो देखो तो इधर अभी वो डैडी आ गए थे ऋषिका के, तो वो उठ के चली गई है उनसे मिलने के लिए, मेरा बाबू भी चला गया। तो इधर ऋषिका के डैडी आ रहे हैं, प्रिया के डैडी, वो पैच होता है जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था, तो वो स्टैंड में वीडियो बना रही थी ना, तो स्टैंड रखा ही हुआ था। तो ये मुझसे पूछे थे गौरव भैया के बारे में कि गौरव भैया कहाँ गए हैं, कब गए, तो मैं इनको वो बता रही थी। और इधर बाबू को होमवर्क करा रही थी, तभी मैं जा रही हूँ उनको पानी देने के लिए। इधर बच्चे होमवर्क करते जा रहे हैं, इधर देखिए बब्बू डैडी को दिखाने के लिए, देखो मेरा होमवर्क ऐसा दिया, मैंने ये काम दिया उनको। एक तो ना ये पसंद है कि मैं आते ही ब्लॉगिंग करूँ, तो मैंने उनके लिए बनाया था दूध वाला रोपसा। तो अभी वो मैं काम कर रही थी, तो वो बोला अभी चाय मत बनाओ भी रुक जाओ, क्योंकि ठंडा था ना रोपसा। इधर वो मेरा काम कर रहे हैं, फिर आपको लेके बैठे हैं पढ़ाने के लिए। तो ये देखिए उनके हाथ में डंडा, डंडा नहीं है ये वो है, कवर चढ़ाते हैं ना तो उसके अंदर का रैपर था, तो हम इसी से डराते हैं इनको, तो वो इनको पढ़ा रहे हैं। इनको पसंद नहीं है कि भैया आते ही ब्लॉगिंग में आओगे, ये ना कि पूरा दिन इधर मेरा ये हो गया तैयार, इधर ये भैया आ गए थे पानी वाले, तो हमारा आरो का पानी आता है अंदर भी रख देते हैं। इधर मेरी सभी हो गया तैयार, इधर इनके लिए हमारी चाय, हमारी हो गई रेडी, और इधर आटा भी हमारा लग गया है, फिर से थोड़ी देर अभी हम चाय पानी बनाते हैं।
देखिए पूजा आएगी सामर तो कहते हैं, और इन्होंने सिर्फ हमारे छोड़िए दो सामर छोड़ दिया ढेर सारा। और मैं ये मोमोज की तैयारी कर रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ, मैं जा रहे हैं लेके अपनी प्लेट। तो फाइनली वो घड़ी आ गई है, अपन ने हमारे मोमोज उन्होंने खाई है कि नहीं, क्योंकि वो ऐसे कम खाते हैं मेरे पास, तो क्या तो मैंने चटनी में डाली ही नहीं क्योंकि लड्डू को भूख लगता है, तो बिना चटनी तो लहसुन की बनती ही नहीं है, तो इसलिए मैंने लहसुन डाला इसमें, थोड़ा बहुत खा लिया वैसे ही खा लिए उसके साथ। तो बच्चे कर रहे हैं वेट, बच्चों ने नहीं खाई थी, गुल्लू को कम पसंद, गुल्लू को इडली कम पसंद है, प्रयास अच्छी लगी थी तो अब खा ले रहे हैं लोग, पर जब उसको पता है कि मोमोज बन रहे हैं तो फिर वो नहीं रुकता। हम तो जब भी मौका लगता है तो मैं तो घर पे ही बनाती हूँ, जो जो मोमोज लगा रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए हमारे मोमोज हो गए हैं लगभग थोड़े से तैयार, मैं इनको ढक देती हूँ, मोमोज बन के तैयार हैं, आप लोग भी आ जाइए खाने, और बच्चे कर रहे हैं टॉय कलेक्ट, ये लग रहा है मैं बैठी हूँ इनका इंतजार करके। तो कोटा हो रहा पूरा, तो आ नहीं रहे भैया, हमने जो बनाया वो निकाल लिया, बच्चे सारे क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे साथ इंडियन डिश पसंद है तो वो खा पी के हम रोक ली। हाँ दे आए भाई, नीचे वालों को ऊपर वालों की चिंता है, ऊपर वालों को नीचे की चिंता है, तो अब आ जाओ खा लो। अरे खाएंगे नहीं, क्यों नहीं खाएंगे, तुम खाओ कैसा है, अच्छा ये बुक नहीं जाएगी, तो कैसा लगा मेरे को।